हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू अपडेट जो कि आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से आपकी एडमिट कार्ड को लेके आपकी न्यू अपडेट आई है, जो कि आपकी कांस्टेबल टेक्नीशियन एंड टेस्टमैन की आपकी जो एडमिट कार्ड है उसको लेके आपकी न्यू अपडेट आई है। फ्रेंड्स, आज इसके नोटिफिकेशन है वो जारी किए गए हैं, जिसमें आपके कांस्टेबल टेक्नीशियन टेस्टमैन हैं उसके आपके बारे में कुछ न्यू अपडेट आई है। इसमें आपकी सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी है उसमें आपकी जो पोस्ट हैं उनको कम कर दिया गया है, जिसको आप इसके नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चेंजेज और किया है, जो CBT है उसके एग्ज़ाम के बाद और आपके जो डिक्लेरेशन रिजल्ट से पहले आपको अपनी जो पोस्ट है टेक्नीशियन ट्रेड्समैन की, इसकी 3 पोस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज पहले ही आपको करनी होगी। इसके अलावा एक और आपका यहाँ नोटिफिकेशन आया है कि जो आपका एडमिट कार्ड का लिंक है वो आपका एक्टिव नहीं हो रहा था, तो वो एक्टिव हो गया है। तो CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2023 है, इसकी आप साइट पे जाके लिंक है उस पे जाके आप इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। CRPF की जो इसकी ऑफिशियल पोर्टल है उसमें आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड के पोर्टल पे आप जाएंगे, लॉगिंग के लिए आप यूजर ID पासवर्ड आप डाल देंगे और उसके बाद लॉगिंग आप कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिंग करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट आप एडमिट कार्ड है जिसकी डेट है, आप टाइमिंग है, आपकी पोस्ट है। ई एडमिट कार्ड पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। सेकंड, आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी भी आपकी डेट और आपका टाइमिंग, आपकी पोस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। और इसके अलावा आप यहाँ पे ई एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो आपका तीसरा एडमिट कार्ड है उसकी भी डेट आपको यहाँ पे जारी कर दी गई है आपकी परीक्षा की, और आपका टाइमिंग यहाँ पे बता दिया गया है किस पोस्ट के लिए है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और ई एडमिट कार्ड पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ई एडमिट कार्ड के लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है ई एडमिट कार्ड का उस पर आप ई एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से आपका जो कांस्टेबल टेक्नीशियन एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 है, कंप्यूटर आधारित जो आपका परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र है वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें जो आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आपका जो परीक्षा केंद्र का नाम है, आपका पता है परीक्षा का, वो आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा जो आपके नीचे नोटिफिकेशन है ये हमने पहले भी आपको बताई थी, आपको परीक्षा हॉल में ही भरनी होगी। यहाँ पे आपको जो लाइन दे रखी है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में भरनी होगी। आपको 9 अंकों में ये डिजिट है वो आपको भरनी होगी। उम्मीदवार का आपको नाम, आपके माता का नाम, आपका जो पता है वो आपको यहाँ पे भरना होगा, आपका पिन कोड नंबर, और इसके अलावा आपके हस्ताक्षर, आपका बाएं हाथ अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ लगाना होगा। इसके अलावा आपको कुछ और निर्देश दिए हुए हैं, जैसे कि आपकी 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको साथ में लेके जानी है, आपकी ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ है वो आपको लेके जाना है, आपकी 2 कलर कॉपी और प्रिंट ई एडमिट कार्ड की आपको साथ में लेके जानी होगी, और इसके अलावा आपको ब्लू बॉल पेन है वो आपको रफ वर्क के लिए आपको लेके जाना होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी होगी, और अगर ये आप अपने साथ नहीं लेके गए तो आपको शायद एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें हैं जो आपको साथ में लेके जानी है। इसके अलावा जो आपके नोटिफिकेशन में कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको जानकारी दी है वो सभी को आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। और आपका CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2023 है, इसके डायरेक्ट लिंक पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।